हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्टिस्टेरॉइड सिरप के बारे में, जो कि खांसी के प्रॉब्लम में यूज की जाती है। सूखी खांसी हो, धसके वाली खांसी हो, नजला हो, जुखाम हो, गले में खराश हो, तो उसमें यूज कर सकते हैं। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसके प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह है कोर्टिस्टेरॉइड सिरप, जो कि डिस्कवरी मैनकाइंड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 131 रुपये है, जो कि 100 ml के पैक में अवेलेबल है। दोस्तों, ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बट आपके पास डॉक्टर के पर्चा होना जरूरी है तभी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कोडीन सिरप को मिस यूज करते हैं लोग, इसलिए नहीं देते हैं किसी को। दोस्तों, कोर्टिस्टेरॉइड सिरप ये सबसे बढ़िया सिरप है, जो कि खांसी को जड़ से खत्म कर देता है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस सिरप को। नंबर वन, बहुत ज्यादा खांसी हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर टू, सूखी खांसी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, थ्रोट में इरिटेशन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर फोर, गले में खराश हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर फाइव, नजला हो, जुखाम हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर सिक्स, एलर्जी वाली कोल्ड हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर सेवन, धसके वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर एट, खांसी की वजह से सीने में जलन हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों, खांसी से रिलेटेड इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं कोर्टिस्टेरॉइड सिरप को, कुछ ही खुराक में आपको सही कर देगा ये सिरप। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें इस सिरप को। एलर्ट बड़े को एक एक चम्मच दिन में 3 बार लेना है, मतलब एक चम्मच 5 ml होता है, तो आप एक चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं, जैसे कि सुबह, नाश्ते बाद, दोपहर में और रात में, इसी तरह लें आप। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में, अगर ये सिरप आप यूज़ करें तो बातें ध्यान रखें। ड्राइविंग करते वक्त या हार्ड वर्क करते वक्त इस सिरप को यूज ना करें। नंबर टू, ओवरडोज भी ना लें इस सिरप को। नंबर थ्री, मिस यूज ना करें इस सिरप को, क्योंकि इसमें कोडीन है तो लोग बाग इसको नशे वगैरह में यूज करते हैं, तो उसमें यूज ना करें, क्योंकि साइड इफेक्ट दिख सकता है। आपने कभी कोरेक्स के नाम सुने होंगे या यूज करे होंगे, तो उसमें भी कोडीन आता था तो उसको मिस यूज करते थे, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। और कोडीन वाले सिरप का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है खांसी वगैरह के लिए। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, बाय दफा कोई केस में यूज करते वक्त ये दिखे, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, स्लीपनेस, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस सिरप का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कोर्टिस्टेरॉइड सिरप के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया खांसी का सिरप है। और इसी तरह के कई मार्केट में अवेलेबल है सिरप, जैसे कि कोडो सिरप हो गया, कोडेक्स हो गया, आदि भी ले सकते हैं आप मार्केट से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।